हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। और आज हम कुछ स्पेशल क्लासेस ऑफ रिंग्स की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज जीरो डिवाइजर। सो स्टूडेंट, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, जैसे एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे सीधी सी बात होता है कि अगर दो, एक तो छोटी क्लासेस में हम वी आर डील विद रियल नंबर्स, सो डील रियल नंबर्स में अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना है और दो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, तो डेफिनेटली दोनों में से एक को जीरो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट जीरो हो ही नहीं सकता। तो वी आर राइटिंग देयर कि इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। बट जब हम थोड़ा सा हायर क्लासेस में आते हैं तो हमें थोड़ा सा बाकी तरह के सिस्टम से भी डील करना पड़ता है, जो चाहे वो मैट्रिक्स हो। सो मैट्रिक्स में भी हमें इस तरह से कोई दो मैट्रिक्स आपको नॉन जीरो मिल जाएंगे। अगर ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ये हो सकता है कि ए मैट्रिक्स में आपका नॉन जीरो हो और बी भी आपका नॉन जीरो। इट मे हैपन। जैसे अगर ए की वैल्यू हम 1000 लेते हैं और बी ले लेते हैं हम 0100, तो इससे इसको करें नहीं, तो फिर हमारे पास जब ए का प्रोडक्ट ए इंटू बी करेंगे थोड़ा सा, तो 1000 01000, तो ऐसे बनेगा नहीं, मंगीर हो जाएगा। तो हमें बन रखना पड़ेगा, इससे प्रोडक्ट आएगा, ये इससे आएगा, तो मतलब यहाँ बनने आना चाहिए। यहाँ जीरो कर लेते हैं और यहाँ बन कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम जीरो रखें और यहाँ पे वन रखें, तो द प्रोडक्ट इज जीरो, जीरो आएगा। तो यू कैन से कि जीरो मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, जबकि हमारे पास ए और बी नॉन जीरो है, दे आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, पर उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। सो बिकॉज ऑफ दिस, सो वी आर गोइंग टू, और ये अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कि अगर R इज अ कमोटेटिव रिंग, कमोटेटिव रिंग, देन A हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है R, R के अंदर, तो इज सेट टू बी a zero divisor if there exist, एक b number exist कर रहा है वो भी non zero है R के अंदर, such that, पर उन दोनों का जो product है वो zero आ रहा है, it mean that ए को हम बोलेंगे कि ए इज जीरो डिवाइजर ऑफ बी, जीरो डिवाइजर ऑफ आर यू कैन से। तो दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आए, तो इट मीन दैट वो जो नंबर है वो आपका जीरो डिवाइजर, और बी को भी बोल सकते हैं हम जीरो डिवाइजर, ए भी जीरो डिवाइजर है, बी भी जीरो डिवाइजर है। तो
ये जीरो डिवाइजर है तो आप सीधी सी एग्जांपल चेक कर सकते हो कि ये नंबर्स में तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा कभी भी। ठीक, जैसे चाहे इंटीजर्स की बात कर लें हम, तो कोई भी दो इंटीजर्स ले लें और उनका प्रोडक्ट जीरो तभी आएगा जब दोनों में से एक जीरो होगा। दोनों नॉन जीरो नंबर लें और उनका प्रोडक्ट जीरो आए, कभी होता ही नहीं। ठीक, तो चाहे हम रैशनल नंबर लें, मतलब नंबर्स में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नंबर सिस्टम में कभी भी नहीं। चाहे हम रियल लें, कॉम्प्लेक्स ले लें, इंटीजर ले लें, रैशनल ले लें, इट्स नेवर हैपेंस। तो ये आपको एग्जांपल मैंने बता दिया, ये तो ये मैट्रिक्स में हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर लास्ट लास्ट लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन की बात करी थी, तो उनमें होल्ड कर जाता है। ठीक, तो जैसे 2 × 3 हमने 6 आया था, और दैट इक्वल टू 0 × √6, इट मीन दैट 2 और 3 जो है, 2 जो है वो जीरो डिवाइजर है। ठीक, सो वन मोर डेफिनेशन इज इंटेग्रल डोमेन। ठीक, इंटेग्रल डोमेन किसको बोलते हैं? सो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ए रिंग। तो इंटेग्रल डोमेन एक कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर, ठीक। सो जो भी कॉम्यूटेटिव रिंग है उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, उसको ही हम क्या बोलेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जांपल्स। ठीक, तो हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस करे थे लास्ट लास्ट वीडियो में। तो पहला जैसे एग्जांपल आ गया हमारे पास द रिंग ऑफ इंटीजर्स। अभी मैंने बात करी कि इंटीजर्स में कभी भी जीरो डिवाइजर नहीं होता। फिर बाकी रैशनल नंबर्स की बात कर लें, चाहे हम कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, तो सारे के सारे आपके पास रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स ले सकते हैं। ठीक, फिर रैशनल वाला हो सकता है, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो जिसमें इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, जिसमें जीरो डिवाइजर नहीं आएगा, दैट विल बी इंटीग्रल डोमेन। और वो आपके पास कॉमोटेटिव होना चाहिए, तो नंबर सिस्टम ऑलवेज कॉमोटेटिव होता है। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज, हम एक ऐसा काउंटर एग्जांपल लें, तो जैसे हमने वो डिफाइन करा था Z6 बोल देते हैं हम उसको, 0 1 2 3 4 5, ये तो Z6, या हम उसको हमने R बोल लो। तो ये तो हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, इज ए कम्यूटेटिव रिंग, बट इट इज नॉट इंटेग्रल डोमेन। इंटेग्रल डोमेन क्यों नहीं है इंटेग्रल डोमेन? बिकॉज इसके पास जीरो डिवाइजर है, और कौन सा जीरो डिवाइजर? 2 और 3, सो इट इज इक्वल टू 0 × √6। ठीक, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए इंटेग्रल डोमेन। उसके बाद अब आती है डिवीजन रिंग की बात। तो नाउ वी आर अप्रोचिंग
द डेफिनेशन ऑफ ए फील्ड. तो उससे पहले हमारी बात आ गई कि डिवीजन रिंग क्या होता है. डिवीजन रिंग, तो डिवीजन रिंग में स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि जो रिंग में अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप बन जाए नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, तो उसको हम डिवीजन रिंग बोलते हैं. गॉट इट? अ रिंग इज सेड टू बी डिवीजन रिंग इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक, तो उसको डिवीजन रिंग बोलते हैं. देखो, जो रिंग है तो उसमें जो ग्रुप अंडर एडिशन होगा वो तो एबेलियन होगा, बट यहाँ पे सिंपल ग्रुप की बात करी, नॉट एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो अगर यहाँ पे ग्रुप अगर अवेलियन ग्रुप बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, तो उस डिवीजन रिंग को हम क्या बोलते हैं, फील्ड है. ठीक, तो यही फर्क होता है कि अब जब डिवीजन हम ये ग्रुप बना रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो डेफिनेटली इस रिंग में यूनिटी एलिमेंट तो पक्का होगा ना, तभी बन रहा होगा. ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि यूनिटी एलिमेंट के बिना वो ग्रुप बन रहा हो. ठीक, so definitely जो फील्ड का डेफिनेशन है, तो बस इस डिवीजन रिंग के साथ एक चीज, रिंग के साथ एक चीज जोड़नी है हमने, कॉमोटेटिव रिंग. दैट्स ऑल. कॉमोटेटिव रिंग होगा डिवीजन रिंग में तो वो फील्ड बन जाएगा. तो फील्ड का डेफिनेशन हो गया हमारे पास, फील्ड. तो अ फील्ड इज ए कमोटेटिव डिवीजन रिंग. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. सिंपल कमोटेटिव लगाना है डिवीजन रिंग के साथ, और ये हमारा फील्ड बन गई. तो दिस इज अगेन, हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि फील्ड कौन कौन से एलिमेंट, जैसे हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स लिया था, सो दैट इज फील्ड. वो फील्ड बनेगी. फिर हमने एक एग्जांपल लिया था मॉडलू ऑफ सेवन, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडलू ऑफ सेवन, दैट विल आल्सो अ फील्ड. और रियल नंबर तो फील्ड होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड बनाएगा अंडर. सो नेक्स्ट, नाउ वी डू सम स्मॉल्स लेमास. दिस लेमास आर वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एक नई चीज पढ़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीजों को हमें खुद रखना पड़ता है कि ये चीज कैसे होगी. जब हम रिंग पढ़ रहे हैं तो एक छोटी छोटी चीज, चाहे उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे है, उसका एडिशन कैसे है, वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. So if R is a ring, then for all
a comma v belongs to R. Number one, a into zero equal to zero into a equal to a. I'm sorry, equal to zero. मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक। दूसरा ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए। ये अपने बीएससी लेवल पे भी की होंगी। फिर माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटू बी, आपको इनको देख के लग रहा होगा इसमें क्या खास है ना, बिकॉज रियल नंबर में तो बड़ा इजीली इंटरप्रेट कर देते हैं, बट वी आर नॉट डीलिंग विद रियल नंबर्स, वी आर डीलिंग विद रिंग, और वो रिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक। हमने प्रीवियस दो वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा वेराइटी ऑफ रिंग्स आर देयर, especially in the last video we discuss very unique one more thing, if in addition R has a unit element, unit element one, then number four is minus 1 into a is equal to minus a, and number 5 minus 1 into minus 1 is equal to 1. Okay, so if you go for a proof, main kuch ek do aapko karke batata hu, then you will try else. Jaise agar hum pehle ki baat kare, फर्स्ट पार्ट की बात करें अगर, तो जैसे देखो अगर एक रियल एक रिंग से हमने एक एलिमेंट ए लिया, तो देन ए इंटू जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो ही बनेगा। और यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा तो आर तो ग्रुप है, और आर ग्रुप है अंडर एडिशन, तो यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, और कैंसिलेशन लॉ लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इस जगह पे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन का, तो जीरो के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट वापस है, तो इट मीन दैट अगर जीरो के साथ मैं ए इंटू जीरो ऐड करूँ तो ए ही ए इंटू जीरो ही है। सो भाई यहाँ से हमने ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सा कैंसिल लगा, राइट कैंसिलेशन लॉ, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, बिकॉज ये ग्रुप है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन कैंसिलेशन लॉ लगेगा, तो व्हाट वी गेट जीरो इक्वल टू ए इंटू जीरो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट टू हो गया। उसी तरह से अगर हमने इसको दूसरा करना है तो इसको हम अगेन सेम इंटरप्रिटेशन जीरो इंटू ए हम सकते हैं जीरो प्लस जीरो इंटू ए, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो जीरो इंटू ऐसे बनेगा, और यहाँ पे जीरो प्लस यहाँ पे फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा कैंसिलेशन लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं दिस। अब आपको ये चीज समझने वाली बात ये है कि हम इन दोनों दोनों को चीजों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी डूइंग दिस, व्हाई वी राइटिंग ए इंटू जीरो और जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो, व्हाई वी डूइंग दिस। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कॉमोटिटिविटी होल्ड नहीं करती,
क्योंकि दिस इज अ रिंग, दिस इज नॉट ए कॉम्पिटेटिव रिंग. अगर कॉम्पिटेटिव रिंग होता तो फिर एक कर लिया दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती. तो बिकॉज ऑफ सिंपली रिंग है तो हमें राइट लेफ्ट, राइट में नंबर लगा के देखना पड़ेगा, लेफ्ट में भी लगा के देखना पड़ेगा. उसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में जैसे हमने प्रूव करना है a into माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए. सो स्टूडेंट्स अगर अगर दो नंबर हम लेते हैं a और b R में, तो डेफिनेटली a इंटू बी भी एक तो R में होगा बिकॉज अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्लोजर है, होल्ड करती है. सो नाउ a प्लस बी और इसमें अगर हम a माइनस बी ऐड करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a इंटू बी प्लस माइनस बी, एम आई राइट? ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एट्थ प्रॉपर्टी लगी रिवर्स, तो बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और यहाँ पे एक b में b का इनवर्स ऐड हो रहा है अंडर एडिशन, b में b का इनवर्स ऐड हो रहा है, सो इट विल बी जीरो. सो ये बन गया a इंटू जीरो, और a इंटू जीरो जो है वो जीरो के बराबर आता है भाई फर्स्ट पार्ट. तो यहां से हमने क्या ड्राइव कर लिया कि a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस बी जो है वो जीरो के बराबर. ठीक, सो यहां पे हम दोनों तरफ इनवर्स माइनस ए बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं, तो व्हाट वी डू, वी कैन राइट ये टर्म इधर चली जाएगी माइनस ए बी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो सेम चीज हम यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ये भी हम प्रूव कर सकते हैं. ये वाला पार्ट हम भी इसको हमने इसके प्रूव करना है, तो सेम लाइन पे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हम ये लेके चल पड़ेंगे कि ए बी प्लस माइनस ए बी. तो यहाँ पे भी हमारे पास ए प्लस माइनस ए और यहाँ पे बी कॉमन आ जाएगा बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो जीरो इंटू बी, अगेन जीरो इंटू बी इज इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी. तो इन दोनों पार्टों से हमने ये फर्स्ट ये बात प्रूव कर दिया. और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में है हमारे पास ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी. सो दिस इज वेरी, ये तो बिकॉज ऑफ जो सेकेंड पार्ट है उसके हेल्प से भी हो सकता है. तो यू कैन सी हाउ कैन बी इंटरप्रेट दिस. तो हमारे पास देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड पार्ट के लिए कि जो माइनस ए इंटू माइनस बी है, तो अब अगर हम ये वाला पार्ट यूज करते हैं तो देखो माइनस ए है, इसको मान लो कि थोड़ी देर के लिए कैपिटल बी है माइनस बी में ऑब्जर्व है, तो ये किसके बराबर आएगा, आएगा माइनस ए इंटू माइनस बी, एम आई राइट? ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कैपिटल बी है, तो ये क्या आएगा माइनस ए इंटू बी, एम आई राइट? वही लिखा हमने. और अब हम इस पे ये वाला पार्ट लगाएं,
ये वाला पार्ट लगाएं माइनस बी वाला। अब इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ए इंटू माइनस बी, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस, सो इट विल बी माइनस। अब इस पार्ट को लगाएंगे तो यहां पे बनेगा माइनस ए बी लाइक दिस, ठीक। एंड इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो वही नंबर आ जाता है ए बी। ये ऐसे नहीं आपने इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पे माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया, नो नॉट लाइक दैट। ये चीज हुई कि जैसे हमने इनवर्स का इनवर्स निकाला द्वारा से, क्योंकि ए बी का इनवर्स होगा माइनस ए बी, ठीक है। तो माइनस ए बी का जो इनवर्स होगा वो ए बी है। दिस इज दिस कैन बी इंटरप्रेट लाइक दिस, ओके। सो यहां से हम ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो दिस इज इनवर्स ऑफ इनवर्स, या यू कैन सी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और अगर एडिशन अंडर एडिशन हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऐसे लिखते हैं। तो इनवर्स का इनवर्स जो है वही एलिमेंट वापस आ गया, ठीक। सो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड हो गया। एंड फोर्थ पार्ट इज माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस, नाउ ए प्लस माइनस वन इंटू ए, सो इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू ए प्लस माइनस वन इंटू ए। वन तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वन इंटू ए जो आएगा वो ए के बराबर है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, ए कॉमन आ गया यूवन से, और वन में वन का इनवर्स ऐड करें तो क्या बनेगा जीरो, और दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू जीरो बाई फर्स्ट पार्ट। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू माइनस, ओके। So this is again very obvious result. Now I think the fifth part is the same thing, just one ही है वहाँ पे put किया हुआ है। तो ये this one, तो ये same ही result बन जाएगा, just हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे a की value माइनस वन हुई होती है तो उससे फिफ्थ प्रूव हो जाएगा। तो वही fourth part, if we use fourth part we have minus 1 into a is equal to minus a, so put a is equal to minus 1, so what we get minus 1 into minus 1, or yahan pe minus this one again, it is this inverse of inverse is itself, so that's why what we get minus 1 into minus 1 is equal to 1. So these are the very small things, but they have very deep meaning inside. So I just try ki un cheezon ko main aapke samne rakhun. So this lemma is just it is very useful and important. It is not very exciting, क्योंकि बड़ा इजी था देखने में, लगता है ये तो ऑब्वियस है, ओके। सो नेक्स्ट फ्यू थिंग्स आई हैव टू डिस्कस विद यू, सो इसको मैं इस लास्ट प्रिंसिपल से खत्म करता हूँ इस वीडियो को। एंड दिस प्रिंसिपल इज पिजन होल प्रिंसिपल, और इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो
ये आपके लिए एक सोचने का चीज रहेगी कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट पिजन होल प्रिंसिपल। और ये आपने डिस्क्रीट में पढ़ते हैं इसको बहुत अच्छे से, हम डिस्क्रीट अगर आपने पढ़ा हो तो पिजन होल प्रिंसिपल। इफ एन ऑब्जेक्ट्स आर distributed over m places, हमारे पास n objects हैं और m places हैं। Now अगर n जो है वो m से ज्यादा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है और प्लेसेस जो है वो कम है, तो देन सम प्लेस रिसीव एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। सीधी सी बात है कि हमारे पास अगर तीन ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास और प्लेसेस हमारे पास दो है, ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, ये दो ही प्लेसेस है, तो अपने डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है, तो यहाँ पे या तो दो दो एलिमेंट यहाँ डालोगे वन यहाँ पे डालो, ठीक, या यहाँ पे वन डालोगे यहाँ पे दो डालो, तो एक प्लेस पे तो एक से ज्यादा रहने ही रहने, सो एटलीस्ट टू तो रहने। अगर चार ऑब्जेक्ट्स होते टू प्लेसेस होते तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप टू डालते, यहाँ पे टू डालते, यहाँ पे थ्री डालते, यहाँ पे वन डालते, यहाँ वन डालते, यहाँ पे थ्री डालते, बट सभी केसेस में ये चीज जरूर फुलफिल होगी कि एक प्लेस पे कोई ना कोई एक ऐसा प्लेस होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आप रखोगे रखोगे। और पिजन होल इसलिए बोलते हैं कि जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स को बोल लो कबूतर बोल लो, और ये एम प्लेसेस मान लो उनका बैठने की जगह है, होल है ये बंच, क्योंकि कबूतर तो होल में ही बैठते हैं ना, तो अगर हमारे पास चार होल हैं और पांच कबूतर है, हमारे पास पांच कबूतर है और बैठना तो पांचों नहीं है, तो सभी एक एक में बैठ जाएंगे तो चार तो बैठ जाएंगे, एक तो खाली रह जाएगा ना, एक तो कबूतर बाहर रह जाएगा, तो वो किसी ना किसी होल के अंदर बैठेगा बैठे, और जिसमें बैठेगा उसमें दो हो जाएगा, ठीक। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिजन होल प्रिंसिपल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।